प्रदेश में अनलॉक 1.0 को लेकर रियायत दी गई, जिसके बाद जोधपुर में रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया, लेकिन निजी बस संचालन को लेकर गाइडलाइंस फिलहाल जारी नहीं की गई, जिस पर निजी बस संचालकों ने सीएम अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री से निजी बस का संचालन शुरू करने की मांग की है। इस दौरान निजी बस संचालकों की मांग को लेकर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने की बात। देश में लगातार कोरोना के कहर के बीच अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा है। सरकार द्वारा भी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर रियायतें दी गई है, उसी को लेके कल प्रदेश में बात करें जोधपुर जिले के अंदर जो रोडवेज बसों का संचालन भी किया गया था, इसी बीच जो प्राइवेट बस संचालक है उनको इस समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 72 दिन से इनकी जो बसें हैं उनके पहिए थमे हुए हैं। उनका सरकार से मांग है कि जो हमारे टैक्स है उसको माफ़ किया जाए ताकि हम भी हमारी बसों का सुचारू रूप से संचालन कर सके। उन्होंने इस समस्या को लेकर सरकार के उच्च अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, मंत्री के नाम हो चाहे परिवहन मंत्री के नाम हो, किस प्रकार से इनकी समस्या है। अभी हमारे साथ कुछ बस संचालक है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्या उनकी सरकार से मांग है। सर जी नमस्कार, हमें हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा टैक्स माफ होना चाहिए और इंश्योरेंस के अंदर हमको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और ज़्यादातर हमारे जो पैसेंजर परेशान हो रहे हैं उनको सुचारू रूप से चालू कराने की मांग की जाए हमारी। सरकार से ज्ञापन वगैरह मिले? सरकार को हमने ज्ञापन दे दिया, हमारे प्रताप सिंह जी खाचरेवास को हमारे पास भेज दिया है, उन्होंने कहा समीक्षा करके आपकी जो भी सुनवाई होगी हम जरूर पूरा करेंगे। कुछ और भी मेरे साथ बस संचालक है, उनसे पूछते हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? सर हमारे स्टाफ वगैरह और पैसेंजर्स जो भी दुखी हो रहे हैं, रोज पूछते हैं कब आएगी गाड़ी, कब आएगी, कब आएगी, आने जाने उनको भी तकलीफ हो रही है। आज बहुत दिन हो गए हैं खड़ी है, सीजन हमारी चली गई है, बुकिंग वगैरह है नहीं, अब बैठे हैं, टैक्स वगैरह इंश्योरेंस और डीजल में राहत मिले तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पे जैसा कि आपने सुना इनका कहना है कि कहीं ना कहीं टैक्स में राहत दी जाए, इंश्योरेंस से उसमें राहत दी जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो क्षेत्र की बसें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो बसें हैं वो बस स्टॉप के अंदर पिछले 72 दिन से यहाँ पड़ी है, इनके पहिए हैं जो लगातार थमे हुए हैं, जो राहगीर है उनको भी लगातार बसों का इंतजार है। वैसे में इनकी मांग है कि सरकार हमारी मांग की ओर ध्यान दे, जो गाइडलाइन आगे जारी की जा रही है उसके अंदर टैक्स को लेकर विशेष तौर से ध्यान दे ताकि हमारे को भी राहत मिल सके और आसानी से हम भी हमारा जीवन यापन कर सके। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ सिंह राजपूत, 7 TV, तिवरी, जोधपुर।